स्वागत करता हूं दो वीडियो आ चुकी है आपको यहां पर दोनों वीडियो एक बार दिख जाए ओके और यहां पर हम आज की डेट में बात कर रहे हैं तीसरी वीडियो से रिलेटेड तो दो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं भारत बायर जहां पर क्विक क्विक मतलब तुरंत के तुरंत यहाँ पर हंड्रेड के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बात करें यहाँ पर आ, यहाँ पर निफ्टी का व्यूज उसके ओवरऑल इंडेक्सेस बैंक निफ्टी यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट सब आपको देते हुए नजर आए होंगे अब जिस स्टॉक से रेटी बातें करने वाला हूँ काफी बेहतरीन शेयर नजर आता है शेयर का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर का नाम है रेप्रो रेप्रो इंडिया लिमिटेड तो इस शेयर के बताने के पीछे का रीजन क्या है तो देखिये यहाँ पर मैंने आ, कल वीडियो बनाई थी और मैंने एक शख्स शख्स की दो दो बार फोटो डाली है यहाँ पर देखिए इनकी आशीष कचौलिया यहाँ पर देखिए आशीष कचौलिया आशीष कचौलिया सर एक ऐसे जाने माने दिग्गज शेयर है यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे ना तो यहाँ पर पता चलेगी ये शेयरों को नीचे से लेते हैं बिल्कुल नीचे से यहाँ पर शेयर को खरीदा ओके और उसके बाद जब एकदम बढ़िया प्राइस पे आया आपका पैसा पांच गुना दस गुना बीस गुना, गुना होता हुआ नजर आया तब धीरे धीरे करके यहाँ पर बेचना शुरू किया और फिर यहाँ पर आपको एक मल्टी रिटर्न मिलते हुए नजर तो ऐसे ही शेयर इनका अभी मुझे मिला है जहां पर जिसका नाम है रेप्रो इंडिया और जहां पर इन्होंने क्या किया है अभी फिलहाल अभी इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में 3.6 पॉइंट की हिस्सेदारी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहां पर इन्होंने लेके रखी है तो यहां पर देखिए कितना बेहतरीन शेयर नजर आ रहा है और इसमें कुछ और नाम देखेंगे ना तो विजय कृष्णलाल केड़िया मतलब लो यहाँ पर विजय केड़िया सर की सात की हिस्सेदारी है इसके बाद मुकुल महावीर अग्रवाल लगभग लास्ट क्वार्टर तक तीन परसेंट की हिस्सेदारी इनकी भी थी यहाँ पर केडीएस हो गए यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी हिस्सेदारी यहाँ पर भी थी यहां, मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जून क्वार्टर में भी 2020 में इनकी हिस्सेदारी थी तो देखिये किशन लाल केडिया मतलब यहाँ विजय केडिया सर भी है और आशीष कचौलिया सर ने अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर खरीदा है तो ऐसे शेयर जो हमें तुरंत के तुरंत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं ओके और अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बना सकते हैं तो ऐसा क्या रीजन है कि इन्होंने ये शेयर खरीदा है तो उसी चीज से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे क्या हमें वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए जानेंगे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े इन्वेस्ट फॉर एवर ये आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बेल आइकन हिट नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब जब हमारे चैनल को कर रहे हैं तो यहाँ पर बेल आइकन का अभी साथ में दिखाई देता है ऑप्शन

यहाँ पर आप चाहे तो हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एज वेल एज आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर दे रखिये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो तीसरी वीडियो में हम बात करें रेप्रो इंडिया की रेप्रो इंडिया, इंडिया करती क्या है उससे रिलेटेड सबसे पहले कुछ जान लेते हैं विच इंक्लूड वैल्यू इंजन क्रिएटिव डिजाइन प्री प्रेस प्रिंटिंग नाइटिंग एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे असेंबलिंग एंड अदर सर्विज अक्रॉस द प्रिंट वैल्यू चेन तो यहाँ पर प्रिंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है पब्लिशिंग ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बुक स्टोर क्या कर रही है तो यहाँ पर उसकी जो छपाई होती है प्रिंटिंग होती है ई बुक्स होती है उसकी जो छपाई होती है वो ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है डाटा बेस मैनेजमेंट का काम करती हुई नजर आती है तो क्या है ये काम तो यहाँ पर याद रखिए अभी लॉकडाउन बंद था तो यहाँ पर उस तरीके का बिजनेस नहीं आ रहा था बट जैसे ही लॉकडाउन खुला अगेन और यहाँ पर पढ़ने वाले लोग कितना है आप भी पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ साठ साल की उम्र वाले लोग भी पढ़ते हैं और पढ़ने की कोई एज नहीं होती तो बचपन से यहाँ पर लोग पढ़ते हुए आते हैं तो यहाँ पर बुक्स की छपाई ये काम होता रहेगा यहाँ पर बात करें तो कंपनी के यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ऑनलाइन बुक सेल्स एस्टिमेट टू बी एट थाउजेंड करोड़ रुपीस इन 2021 तो यहाँ पर आठ हजार करोड़ रुपए की यहाँ पर लगभग सेल्स uh, होती हुई दिखाई दी है 2021 में तो यहाँ पर देखिए कंपनी किस तरीके का काम कर रही है बेटर वे टू गेट मोर बुक्स टू मोर पीपल ओके एज वेल एज यहाँ पर बात करेंगे तो बुक विदाउट बाउंड्रीज यहाँ पर ये यह सब चीज से रिलेटेड रखा है यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनली काम करती है रिटेल में काम करती है यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन बेसिस पे ई e बुक्स में प्रिंट में कंपनी काम करती है पब्लिशर और क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पैंग रैंडम हाउस यूके ऑक्सफर्ड ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पीएसएन ब्लूम्सबरी तो यहाँ पर अलग अलग बड़े बड़े लोगों के लिए काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए ओके okay, मैं उस चीज से रिलेटेड आपको बातें बताने लग गया तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा पहुंच जाएगा तो इसलिए एक बार इसकी वेबसाइट पर जाके देखिएगा एक एक करके यहाँ पर पढ़िएगा अबाउट इस रेपरों के बारे में पढ़िएगा तो आपको एक आइडिया जाएगा बट शॉर्ट टर्म में हमें एक आइडिया आ चुका है अगेन फाइव करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है ओके माइक्रो कैप कंपनी और माइक्रो कैप कंपनी किस तरीके से चलती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं बार बार बताता हूँ कि शेयर गिरता है भागता है गिरता है भागता है शेयर 2017 में सात सौ इक्यासी रुपए पे था उसके बाद लगातार गिरावट ओके और अब शेयर दोबारा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है अभी अपने टॉप से काफी यहाँ पर गिरा है तो सिक्स का टॉप बना के यहाँ पर पे चल रहा है के लाली विजय केडिया एज वेल एज यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर आशीष कचौलिया सर जैसे इन्वेस्टर इसमें शामिल है आर ओ नेगेटिव है ओके okay, डेट uh, की बात करें थर्टी नाइन परसेंट का के उपर, भी है, की बात करें, कोई नहीं है बट अच्छा देट, okay, बात करें शेयर की तो शेयर जब इतने बड़े बड़े लोग ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ले रहे होंगे कुछ ना कुछ समझ के ले रहे होंगे और जैसे अगर हम बात करें तो इनके पीछे भी नहीं भागना कि इन्होंने ले लिया तो हमें भी लेना है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हम देखें तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है यहां पर हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की तो यहाँ पर देखते सेल्स कंपनी की सेल्स देखते देख सकते हैं कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर पहले अच्छी चल रही थी जैसे कि मैंने बात करी लॉकडाउन आया लॉकडाउन लगा तो यहाँ पर, sales, बात है, कम होनी थी, यहाँ पर लोगों की ठप तो होता हुआ नजर आया एक काम बट धीरे 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 आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा दोबारा काम करती हुई नजर आ रही है एक बार हम इसके रिजल्ट देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट कब आएंगे तो हमें एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा तो एक मिनट दीजिए मुझे रेप्रो इंडिया देखिए आ गया रेप्रो इंडिया सबमिट किया तो देखिए 12 अगस्त आज 9 तारीख है तीन दिन बाद यहाँ पर इसके रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट देखिएगा उसके बाद देखिए सब नेगेटिव दिखाई देगा पहले कंपनी पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे कंपनी के रिजल्ट नेगेटिव आए किस वजह से आए वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कम होता हुआ नजर आया बट 2021 में आप देख रहे हैं कि लगभग 8000 करोड़ की सेल्स होती हुई नजर आई है तो मुझे ये चीज फैसिनेट कर रही है एज वेल एज जब बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर अभी यहाँ पर हिस्सेदारी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बात होगी

पर FIS के पास भी लगभग की हिस्सेदारी है बड़े बड़े नाम देखेंगे तो देखिए बड़े बड़े नाम भी आप देख सकते हैं इनके पास, और सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर देखिए पर, तो आपको देखना पड़ेगा तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग लगभग आधी सेवनटीन के आसपास की हिस्सेदारी ही यहाँ पर नजर आती है की इन बड़े लोगों के पास है और आधी हिस्सेदारी पब्लिक तो पब्लिक के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी है ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है सबसे अच्छा नजर आता है कंपनी शायद धीरे धीरे कंपनी uh, uh, बढ़ती नजर आएगी। as well as, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, जब पैसा बनाना होता है ना तो पैसा कहीं ना कहीं और दूसरे दूसरे शेयर्स में ले लूंगा एस सी एल टैक्स ले लूंगा विप्रो ले लूंगा यहां पर पैसा बन जाएगा ओके okay, तो हिंदुस्तानी लीवर ले लूंगा तो देखिए पैसा बन जाएगा सेफ भी रहेगा बट पैसा जिस रफ्तार से आप मार्केट में कमाने आए हैं आप यहाँ पर जब एग्जाम्पल लेते हैं बड़े बड़े लोगों का आप सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर आशीष कचौलिया जैसे यहाँ पर पैसा कमाऊ मैं दो हजार करोड़ रुपए आप सोचते हैं कि विजय केड़िया जैसे हजार करोड़ रुपए कमाऊ तो उस माइंडसेट से फिर आपको चलना पड़ेगा और उस माइंडसेट से अगर चला जाए तो इसी को माइंडसेट को देखते हुए इन्होंने इस कंपनी में अः यहां पर बैठ लगाई होगी अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा 12 तारीख को रिजल्ट है देख लीजिए रिजल्ट में कहीं भी दम लगे कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई कंपनी अच्छा खासा दोबारा प्रदर्शन कर रही है किसी के कहने पर नहीं और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 2017 में कंपनी का शेयर यहां पर था ओके और जब कम शेयर चलने शुरू होते हैं ना तो टाइम नहीं लगता टाइम नहीं लगता फिर शेयर को भागने में

और यहां से ऊपर गया तो एक ये लेवल फिर इसके बाद ये लेवल और फिर इसके बाद ये लेवल सीधे अचीव करता हुआ नजर आएगा शेयर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही जस्ट बिकॉज यहाँ पर पैंडेमिक पर असर हुआ था ओके तो उसी का यहाँ नेगेटिव इफेक्ट यहां पर दिख रहा है कंपनी देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन पे प्रॉफिट में आ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के एक्सपेंसिस इंटरेस्ट टैक्स ये सब चीज देना पड़ रहा है इस वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है और वो भी यहां पर देखिए धीरे धीरे दस से दस करोड़ सत्रह से दस हुआ दस से यहाँ पर पांच हुआ पांच से छह छह से चार होता हुआ नजर आ रहा है और धीरे जीरो भी हो जाएगा और अच्छा शेयर भागता हुआ नजर आएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है आशीष का चौले सर ने लिया है बड़े बड़े इन्वेस्टर ने लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा तो इसे आपको देखना होगा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस